हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स मैजिकल पिटारा में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक शाही रेसिपी स्वीट डिश की। जी हाँ, मूंग की दाल का हलवा। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। हाँ, तो देखिए, इसके लिए हमने ये धुली हुई मूंग की दाल ली है, ये हमने घर के दूध से निकली मलाई ली है, ये हमने घी लिया है, चीनी लिया है, दूध है और छोटी इलायची का पाउडर है, ये कुछ काजू हैं और बादाम है। एक चीज का ध्यान दीजिए आप, जितना हमने मूंग दाल लिया है उसी कटोरी से हमने नाप के मलाई लिया है, उतना ही घी लिया है, उतना ही चीनी लिया है और उतना ही दूध लिया है। हमारे ढंग से हलवे बनाने के लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या चीज ज्यादा है और क्या चीज कम है, ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। इसके लिए हमको पहले से मूंग दाल भिगोने की जरूरत नहीं है, केवल हमको मूंग दाल को पानी से अच्छे से साफ कर लेना है और इसमें पानी ना रहे। हाँ, तो आइए चलिए हम हलवा बनाते हैं। इसके लिए हमने गैस जला लिया है, अब हमने इसे कढ़ाई रख दिया है। हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा घी डाल लेते हैं और उसमें हम इस ड्राई फ्रूट को हल्का सा भून लेते हैं। तो देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा घी डाल दिया है हमने और इसमें हम जब ये घी गर्म हो जाए तो ड्राई फ्रूट को भून लेंगे हल्का सा। हाँ, तो देखिए हमारा ड्राई फ्रूट हो चुका है, अब हम अपने ड्राई फ्रूट को निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ये धुली हुई जो हमने मूंग की दाल रखी थी उसको डाल के हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। हाँ, तो देखिए हमारी मूंग दाल भून रही है, इसको हमको मीडियम आंच पे ही भूनना है और अब हमारी मूंग दाल भून चुकी है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल के रख देते हैं। जब हमारी दाल ठंडी हो जाए तो हमको इसको मिक्सर में बारीक पीस लेना है, लेकिन बेसन इतना बारीक नहीं करना है, हल्का मोटा ही रहेगा। हाँ, तो देखिए हमारी मूंग दाल पीसी जा चुकी है, अब हम वापस गैस फिर से जलाते हैं और जो हमारा बचा हुआ घी है उसको भी हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। अब हमारा घी फिर से थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम ये मूंग दाल फिर से भूनेंगे। हाँ, तो देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम ये मूंग दाल जो हमने पीसी थी फिर से घी में डाल के अच्छे से भून लेते हैं। इसको हमको मीडियम आंच पे ही भूनना है। हाँ, तो देखिए हमारी मूंग दाल भून चुकी है, इसका कलर देखिए कितना गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें जो हमने दूध लिया था वो ये दूध डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि मूंग दाल पूरा इसमें अच्छे से फूल जाए। अब हम इसमें जो हमने मलाई लिया था वो भी डाल देते हैं और फिर से हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए हमारी मूंग दाल में मलाई दूध सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं और चीनी के घुलने तक 2-3 मिनट तक हम इसको वापस फिर से पका लेते हैं। इस समय हमने आज एकदम धीमी कर दिया है, हमारा ये हलवा एकदम हलवाई के तरीके से बनेगा जैसा हलवाई लोग शादी ब्याह में बनाते हैं। हाँ, तो देखिए हमारी चीनी घुल चुकी है, हम इसमें ये छोटी इलायची का पाउडर डाल दे रहे हैं और इसको मिक्स करके अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं और हलवे को निकाल ले रहे हैं। हाँ, तो देखिए हमारा हलवा तैयार हो चुका है, अब हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे उससे हम इसको अच्छे से गार्निश कर देते हैं। हमारी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा,
हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल मॉम्स मैजिकल पिटारो को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।